बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपका होस्ट अख्तर रहमान आपको आपके अपने चैनल प्लांट्स इनसाइडर में खुश आमदेद कहता हूँ। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह चावलों को धोने के बाद उस पानी को हम प्लांट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। जितने चावल आपने पकाने हैं वो इस तरह से बर्तन में निकाल लें और उनको एक बड़े बर्तन में डाल लें और उसमें जो है वो आप पानी ऐड कर दें। जितना पानी आपने डालना हो उसे थोड़ी देर के लिए पानी डाल के छोड़ दें। पानी डालने के बाद चावलों को अच्छी तरह से वॉश कर लें, इस तरह से हाथ से जो है उनको वॉश कर लें। इससे जो है वो जो पानी है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम वगैरह जो है वो ऐड हो जाएंगे। चावलों में स्टार्च होता है वो ऐड हो जाएगा पानी में, तो इस तरह से आप इसे जो है वो धो लें। चावल धोने के बाद पानी को जो है वो इस तरह से अलग से निकाल लें, छान लें किसी भी बर्तन में और उसे जो है वो अपने प्लांट्स में अप्लाई कर दें। ये आप हफ्ते में 2 दफ़ा जो है वो इस तरह से पानी ये वाला यूज़ कर सकते हैं अपने प्लांट्स में। इस तरह से ये होगा कि जो पानी आपके पास बचेगा वो वेस्ट भी नहीं होगा और आपके प्लांट्स को एक अच्छा नेचुरल फर्टिलाइज़र भी मिल जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन थी जो इस वीडियो में मैंने आपसे शेयर करनी थी। नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय। अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें और प्लांट से प्यार करें। गो ग्रीन, पाकिस्तान ग्रीन।